अम्मा क्या चीज रही है? बस वो प्री प्लान था तो उस वजह से मैं काफी जो था वो ब्लैकमेल रहा। यहाँ पर लगाया भाई बासिल के लिए हमने डायनासोर वगैरह, और बासिल जो है ना डायनासोर को देख देख के थक गया, अब ये देखना पसंद नहीं करता। अब ये जो है ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है, क्या चाहिए लड़के को? ओ ये चाहिए, किसको मारना है? अरे पापा को नहीं मारना यार, डायनासोर को मार दो, डायनासोर को मार दो। चलो गुड बॉय, फटाफट सलाम करो। वेट 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 वेट, सलाम करो। नहीं ना यार, ये क्या, अभी तक तो ठीक था, ये मैंने व्लॉग खोला फिर ही मुझे काटना शुरू। अच्छा पापा की बात सुनो, रुको पापा की बात सुनो, इधर 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 तो आओ। क्या बुला रहे हैं? देखो सब क्या बुला रहे हैं, सब क्या बोल रहे, हाई करो। क्या है? अच्छा भाई मैं गिर जाऊं, बच्ची हो गया मैं, गिर जाऊं मैं, लग गई मेरे को। इसकी सुन लूं मैं, और किसी की सुनो ना सुनो, इसकी सुननी लाजमी है मैंने। पप्पी करो, पप्पी करो, पप्पी करो, पप्पी करो सब्सक्राइबर से। अच्छा पप्पी करो, बोले पप्पी करो, कुछ तो सुनो ना, उनको हाई कर रहे हो ना उनको प्यार कर रहे हो। क्या करूं क्या करूं, गिर जाऊं भाई, दोबारा से गिर जाऊं। ये लो तो भाई मैं इंट्रो दूं यार, वरना ये जो है ना मुझे ऐसी गिरा के रात करवा देगा। तो भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग्स। भाई आज का व्लॉग कुछ ऐसा है कि आज जो है ना मैं कंफ्यूजन में हूँ। मतलब क्या कंफ्यूजन में, क्योंकि मैंने प्लान किया हुआ था आज का कल परसों से कि आज जो है ना वो हमें जाना है भैरिया टाउन के, वहाँ पर जो है ना हमारा एक अदद जो है ना वो फ्लाइट था उसकी जो है। भाई मैं क्या करूं उसका, एक ऐसा जो था ना वहाँ पर फ्लैट था, और वो फ्लैट की चाबी हमने लेनी है, और उसके बाद जो है ना हमने काम करना था। बासिल का जो सामान था ना सामने घर में पड़ा हुआ था, उस सारे सामान को उठा कर हमने वहाँ पर करना था शिफ्ट, क्योंकि सामने जो घर है ना वहाँ पर जो है भाभी माशाल्लाह से काम करती है, भाभी का अपना ब्रांड है, तो वहाँ पर जो है ना स्पेस उनको चाहिए थी। तो भाभी ने बोला कि यार ये बासिल का सामान तो बहुत ज्यादा है, तो हमने बोला कि यार हमारे पास घर पड़ा हुआ है तो उसकी चाबी हमने क्यों नहीं ली अभी तक, घर तो हमारा है कब से, वो हम जा रहे थे फिर चाबी देखने, उसके बाद फिर सामान को ले जाते वहाँ। और दूसरी बात कि यार 4 मिलियन हो गए, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार 4 मिलियन का सेलिब्रेशन करूँ या वहाँ जाऊँ। तो एक बार पूछ लेते सबसे यार, मुबारकबाद कौन देगा भाई, मुबारकबाद कौन देगा? अबे 4 मिलियन की मुबारकबाद कौन देगा? अबे हो यार बहुत बहुत, अबे यार आप लाइव नहीं आए फिर? यार लाइव जो है ना वो ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज की वजह से मैं नहीं आ पा रहा लाइव, वरना मैं लाइव आता, मजा आता लाइव। हाँ चलो मुबारक हो बहुत, अल्लाह ताला तुम्हें और कामयाब करे, आमीन, और तुम्हारे काम में खैर और बरकत हो, आमीन, और सारे सब्सक्राइबर का भी बहुत बहुत शुक्रिया, उनके जैसे तुम आगे बढ़े हो, ऐसा ही है ना। कल मैंने देखा 99 थे, रात में मैं सोच रही थी कि बात करूं, क्या हो गया, ऐसे अचानक हाथ लग गई। हाँ विश नहीं है ना, जी भी लग गई है, जल्दी विश कर दो, जल्दी विश कर दो वरना और लग जाएगी। हैप्पी बॉय मिलिया है, आपको और कामयाब करे, और शुक्रिया सब्सक्राइबर का जिन्होंने सब्सक्राइब किया है दिल से। तो आप मुझे ये बता दो कि हम जो है वो बेरेडॉन जा रहे थे थोड़ा पीसफुल व्लॉग बनाने, तो अभी ये पीसफुल व्लॉग बनाए या सेलिब्रेशन वाला बनाए? सेलिब्रेशन खेलने गया, सेलिब्रेशन फर्स्ट। आप जो सब्सक्राइबर्स भी तो कह रहे थे कि सेलिब्रेट करिएगा, PS बोला था आपने, हाँ। तो PS बोल देना था ना, वो भी करना है यार। हम जा रहे हैं टाउन ना, वहाँ पर केक ले जाते हैं, फरिया मैं आप और बासिल और तवा, चलते हैं वहाँ पर केक काटते हैं, और साथ साथ हम उसकी चाबी भी पिक कर लेंगे। सर उसके लिए आपको कितना वेट करना पड़ेगा? 5 बजे तक का। 5 बजे तक का वेट नहीं करूंगा भाई, आगे बनाना जो बना रही हो। 25 मिनट दे दो, जाओ जाओ 25 मिनट तुम्हें दिए जाओ, 1.5 घंटा दे दो। नहीं 1.5 घंटा नहीं, 25 मिनट दूंगा। अब छुट्टी कर ले यार, आज की सेलिब्रेशन। अब कितनी छुट्टियां करी तूने कल को की? फिर कल मैंने तेरी छुट्टी कब कराई? अबे हाँ तो कल मॉल गई थी, जल्दी पढ़ कर आई हूँ, लेकिन 1 घंटा वेट करूंगा ज्यादा नहीं। पता नहीं क्या बना रहे हैं, मॉम अलग बना रही है, सब कुछ अलग बना रही है, दाल बना रही हूँ, दाल चावल। यहाँ पर मेरा नाश्ता भी रेडी है, नाश्ते में ये है पीनट बटर वाला बनाना शेक, तो फटाफट से पीते हैं बनाना शेक, इसके बाद जो है ना फटाफट से होते हैं रेडी, और बस जब तक हो जाएगा टाइम और निकल जाएंगे फिर हम। यमी पीनट बटर का टेस्ट आ रहा है, रेडियो के बैठी है, अभी वहाँ चले गए, वहाँ से बोलिए अल्लाह हाफिज़, फौरन बासिल पीछे भागे इसके। अब इसका वेट करें कि हम ये कब आ जाएगा, तो हम जाएंगे। किचन बहुत गंदा है, भाग 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 भाग, वो रहा कचरा, वो रहा कचरा, जाओ गुड बॉय गुड बॉय, दिन रात तुम साफ किया करो हमारा घर, ठीक है? बैठो 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 बैठो, चलो 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 पकड़ो, तो ऊपर सीट पकड़ो, गुड बॉय। तो गाइस बाथरूम में तो आ गए भाई नीचे रेडी शेडी होकर, और मम्मा सबा और फरिया जो है वो आ रही है, डायरेक्ट चलते हैं भाई बैरियर टाउन और पकड़ते हैं अपने घर की चाबी, पहली बार चाबी पकड़ूंगा भाई अगर मिल गई आज तो। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, शीशा साफ, अरे बस पानी खत्म हो जाएगा, बस बस बस, चलो आ जाओ 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 आ जाओ, चलो भाई जल्दी।
पहुंच गए जी बेरिया टाउन और ये फिर सो गया। तो गाइस पहुंच गए भाई अपने घर और अब जो है मैं देख कर आता हूँ चाबी वगैरह, उसके बाद फिर आप लोग को बुलाता हूँ। याद नहीं आ रही कि यार मैंने चाबी ली क्यों नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मतलब इतनी लेट में क्यों ले रहा हूँ। 2 साल पुराना मैंने घर लिया हुआ है और उसकी मैंने चाबी नहीं ली। ये ऑफिस तो बंद है भाई, अभी कैसे लेंगे ऊपर घर की, कहाँ से लेंगे? कितने बजे आते हैं सुबह ऑफिस में? 11 बजे। चाबी जो है ना वो 11 बजे सुबह के मिल सकती है, अभी कह रहे हैं कि भाई ऑफिस बंद है और चाबी नहीं मिली। जिस बात का डर था वही हुआ। लोग कोई बता दें डर के बारे में, चाबी जो है ना नहीं मिल रही मामा, अभी ऑफिस बंद है तो अभी क्या ऊपर जाना है? चाबी की फायदा नहीं है, चाबी ऊपर की ना, तो तुम फिर बोलो ऊपर जाना है या नहीं, मतलब वो खुला हुआ तो है अभी घर, लेकिन एक चाबी जब आपके पास आ जाती है ना तो फिर आप उसको लॉक वॉक करो, आपकी मर्जी जो भी करो उसको बनवाओ। चलते भाई कुछ खाने पीने के लिए लेते हैं, उसके बाद जाएंगे भाई ऊपर कहीं पार्क की तरफ जो कि हिल पे बना हुआ है, वहाँ पर जाके फिर करेंगे अपना लंच। क्या लेकर आ जाऊँ अभी? तुम फिर भी खुद देख लो ना अपना। देखा मैंने भी यार, तसल्ली मॉम हुई भी मेरे को। क्या है अब कितना बन गया, उस टाइम भी कुछ मॉम नहीं फिनिश हो गया पूरा। हाँ पूरा फिनिश हो गया, बस चाबी लेनी है और फिर अपने कॉन्ट्रैक्टर को देके बनवाना है बस। चाबी मिल जाएगी उसके बाद फिर कुछ प्लान बताऊंगा आपको, ठीक है? क्या बस बताऊंगा ना फिर। कॉन्ट्रैक्टर की बात कर तो दिया पर लेट गो ड्रिफ्ट करूँ। एक ड्रिफ्ट मारू, एक छोटी सी छोटी अम्मा क्या चीज रही है अच्छा फरी और सब को मजा आता है, मॉम को बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, मॉम को गुस्सा आ रहा होगा अंदर से। दिमाग घूम जाता है, दिमाग घूम जाता है, घूम रही है ना गाड़ी। तो भाई मेन्यू आ चुका है, फटाफट से मंगा लेते हैं भाई, अच्छी सी चार चार चीजें। तुम्हारा रैप मंगा लेते हैं, तुम्हारा बर्गर मंगा लेते हैं, मॉम आपका भी रैप या बर्गर और बासिल और मैं खाएंगे फ्राई। 2 hours later आ गया। तो भाई खाना ले लिया, अब चलते हैं पार्क, पार्क में बैठ के खाएंगे इसको सुकून से। जब तक ये भी सो रहा है तो ये भी उठ ही जाएगा, माशाल्लाह सही सो गया। चलो वटक उठ जाओ, पहुँच गए जी पार्क, गुड मॉर्निंग। पार्क आ गए, चलो जी बैठो। फर्स्ट खाना खाते हैं फिर उसके बाद खेलेंगे कूदेंगे। वाह भाई इतना बड़ा बर्गर, अंदर तो छोटा है, मुझे लगा इतना बड़ा। ये आ गए भाई हमारे फ्राइज, ओए होए ये काफी ज्यादा है। बासिल के फ्राइज ये भाई, बासिल आप फ्राइज खा लो भाई फटाफट। अबे धो धो कैसे खाओगे भाई, एक एक करके खाना। हाँ तो फटाफट से खाते हैं और फिर खेलते हैं। खाना के बाद जो है ना आइसक्रीम वाले भी यही खड़े में, तो फटाफट से लेते हैं एक आइसक्रीम, एक या तीन चार? तीन चार लेंगे ना, क्योंकि सब लेंगे। सबने खानी है पक्का? सबने खानी है? हाँ, आपने भी खानी है? डोनट वाली आइसक्रीम, ओके इस बासिल के लिए ले लेंगे। बासिल मॉम तो अपने से थोड़ी थोड़ी खिला देंगे। गाइस मॉम की डोनट आ गई, मॉम ये लो। और सबा जो है वो कौन वाली खा रही है? बेटा आपको कौन सी चाहिए? फ्लेवर क्या है इसका समझ नहीं आ रहा, क्या होगा फ्लेवर इसका, क्या होगा? मतलब ये कैंडी पॉप है फ्लेवर, ये रहा कैंडी पॉप है ना फ्लेवर, कैंडी की तरह होगा। और तुम्हें बैठ चखना है आइसक्रीम के? अब है पागल, पैसे कट जाते हैं चखने में। मैं लेता हूँ गाइस ये वाली कुल्फी, आए बादाम वाली। कट करो, ठंडी नहीं लग गई दांत पे। तो गाइस हमने आइसक्रीम पार्टी भी कर ली। मैं बात करती हूं भाई, छोटी कौन? छोटी सी कौन? वाह खा लो फटाफट खा लो, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। ऐसे ऊपर चढ़ना थोड़ा मुश्किल है, बासिल से चढ़ा नहीं जा रहा। काफी मजे की जो है ना यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज हो जाती है, ऊपर चढ़ते ऊपर नीचे उतरने वाली। आ जाओ भाई आज पापा, जल्दी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये कौन खा लिया आपने? फटाफट आ करो फटाफट फटाफट फटाफट। मैंने बड़ा सोचा कि मैं एक चीज करता हूँ लेकिन मुझे डर है कि बासिल खुद ही कर रहा है। 1 2 3 ओए पापा कहाँ गए? ये पीछा हाथ पे कर लो, चलो चलो 1 2 3 ये गाइस पीछे जो है फैमिली नमाज पढ़ रही है माशाल्लाह से, तो बासिल उनको देख रहे हैं कर क्या रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, उठ रहे हैं, उधर खड़ा हुआ है इससे उनको देख रहा है, यूं कर रहा है इशारे। और दोस्ती भी कर ली लड़की से। बासिल ने वहाँ पर बच्चों से बॉल ले ली और बासिल आराम से खेल रहे हैं। आज सेलिब्रेशन वगैरह कुछ नहीं करनी, सोचा कि पहले मैं यहाँ करूँ, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ घर जाके करूँ सबके साथ, इसमें केक शेक हो, पार्टी पोपर हो, शोर शराबा हो। यहाँ पर शोर शराबा करते हैं बुरे लगेंगे यार, लोग यहाँ पर सुकून लेने आए हुए घर गंदा करने का सोच रहे हैं। 1 मिलियन कभी कभार होते हैं, खैर हो गई गंदे तो गंदा साफ खुद ही करेगा, झाड़ू खुद लगाओगे, हम तो नहीं लगा रहे। जी तो लेट्स गो। रस्ते से हमें बहुत सारे काम करने हैं, रस्ते से केक लेना है, पार्टी पेपर लेने हैं, कैंडल लेनी है, सब कुछ मिल जाएगा ना? ओ भाई साहब कैन गिर गया भाई बंदे के, खाली होंगे इसकी आवाज। हाँ खाली है खाली है खाली। तो भाई पहुंच गए, अगले उतर के भाई जले गए, हम लोग आए। कौन सा केक ले रही है जनाब आप? रेड वेलवेट जी वही है।
छोटा सा है, देख लो जो अच्छा लगे जिसपे प्रॉपर आ जाए 4 मिलियन। छह साल लिखवाया जा रहा है इसको 4 मिलियन। गाइस हमने कैब भी लिया है, वासिल ने जो है ना इसको अभी से खराब कर दिया है। कौन सा केक पसंद आ रहा है आपको? घर लेके जा रहे पापा घर पे खाना। तो भाई ले लिया है केक, पहुंच गए घर। आजी से कैब फाड़ दी। ये क्या किया अभी पापा ने? सर पे पहनना था इसको यार। चलो 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 चलो, आ गया भाई बासिल, आ गया बासिल। हां आ गया भाई, क्या लाया हो? दिखाओ। ये सेलिब्रेशन के लाया ना। अरे वाह, अस्सलाम वालेकुम। फाड़ दिया इसने, फाड़ दिया। देखो मैं लगा लूं भैया को, लगा लेंगे। वाह वाह, आए हाय 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 हाय, हैप्पी 4 मिलियन। खैर हमारा गो। अब बेटा हमारा 4 मिलियन तो देख भाई, ये रखे हुए, ये देख ये रखे हुए। अरे 4 मिलियन की वाराबाद 6 महीने पहले देनी चाहिए थी तुम्हारे को। क्यों? तुम्हारी वजह से लेट हो गए 4 मिलियन। मेरी वजह से लेट हो गए? वरना कब के हो जाते? 6 महीने क्या, 1 साल पहले देनी चाहिए थी। ओए जुड़वा भाई, 4 मिलियन हो गए, क्या हो गया? नींद में हो गया? मुबारक हो भाई, मुबारक। उठो उठो उठो, सेलिब्रेशन करो, जल्दी उठो, जल्दी उठो, जल्दी उठो। लेट हो इसका मतलब ये थोड़ी तुम जो हो वो तुम्हारा एनर्जी खत्म हो गई। एनर्जी निकालो अपनी। बस बस बस। गाइस मॉम जो मुझे पहना रही है, ये मॉम कैप के ऊपर पहना दिया है, कैप हटा के पहन लिया। ओके जी, तो भाई पहन लिया। तो भाई तुम सबकी जो है आज बर्थडे है ये समझ लो, क्योंकि सबके 4 मिलियन हुए। अब 4 मिलियन कंप्लीट है। अब आया असली मजा, तो आप आया 4 मिलियन का मजा। अब हैप्पी 4 मिलियन। मेरे कान में पता कैसे आ रही है, ये फट रहे ना निकल के। इसमें जान जो है, तो नहाना पड़ेगा है ना, नहाना पड़ेगा मॉम। सीधे बात तो मैं चले जाओ बस। अक्सर लोग जो है मुझे बोलते हैं कि यार बैक हो जाओ, बैक हो जाओ, बैक हो जाओ, मतलब पहले की तरह व्लॉग बनाओ। सो भाई अब से जो है वो पहले की तरह ही व्लॉग बना रहे हैं, जिस वजह से आप लोगों ने फिर हमारे 4 मिलियन कराए। तो थैंक यू सो मच भाई, वापसी से हम लोग व्लॉग पे कंसंट्रेशन हम लोग कर रहे हैं, और होप है कि भाई आगे भी हम इसी तरह बनाते रहे व्लॉग और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लाए, फेक ना हो ज्यादातर, सब चीजें जो है वो रियल हो। ट्रूथ चल रही है ना जिंदगी में, वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊं। और स्क्रिप्ट फॉलो नहीं करते थे हम लोग शुरू से, वरना स्क्रिप्ट बहुत सारे ब्लॉगर फॉलो कर रहे होते हैं, और आगे जो है वो यही चल रहा है कि स्क्रिप्ट बता दो पहले घर वालों को, भाई ये करना है, ये करना है, ये करना है, और फिर उसी तरह से पूरा ब्लॉग बन जाता है। दिल की बात ही आपसे कह दी है, अगर आप लोग मुझे चूज करते हो और चूज कर रहे हो और चूज किया था, तो उन सब के लिए थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आ रहा है, और बहुत खुशी हो रही है कि आज 4 मिलियन हो गए। लेकिन ये 4 मिलियन जो है ना, 1.5 साल लगभग ऑलमोस्ट 2 साल बाद हो रहे हैं 3 मिलियन के बाद, और ये क्यों हो रहे हैं तो फटाफट से नहा के आता हूँ फिर बताता हूँ। ओके जी, तो भी नहा धो के हो चुका हूँ फ्रेश, और मोबाइल रख लिया मैंने ट्राइपॉड पे, ताकि जो है वो बातचीत कर सकूं भाई आपसे, क्योंकि मैंने जो है वो लाइव स्ट्रीम का वादा किया था कि भाई 4 मिलियन पे लाइव स्ट्रीम करूंगा, और वो वादा मैं मिस कर रहा हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है और जिस कमरे में मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ वहां पर जो है ना एसी नहीं लगा, तो लाइव स्ट्रीम मिस हो गई है। तो अब मैंने सोचा कि यार जो लाइव स्ट्रीम में मैंने बातें करनी थी वो मैं व्लॉग में कर लेता हूँ, ताकि वो रिकॉर्ड भी रहे और सब्सक्राइबर को भी क्लियरली पता लगे, क्योंकि व्लॉग वो कभी भी देख सकते हैं, लाइव स्ट्रीम जो है वो स्पेसिफिक टाइम के लिए होती है और फिर वो खत्म हो जाती है, और कोई कोई देखते हैं, कोई कोई नहीं देखते, और वो काफी लंबी भी हो जाती है, 2-3 घंटे की होती है, तो उसमें समझ नहीं आता। क्यों ना आपको क्लियरली बताऊं भाई कि मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ, इस वजह से यार मैंने 4 मिलियन इतना लेट अचीव किया है। सो वो वक्त आ गया है, इस वक्त मैं आपको ये सारी चीजें बताऊं। मैंने आप लोगों से बहुत सारी चीजें जो हिडन रखी थी, इस वजह से मैं भी प्रॉब्लम में था और घर वाले भी प्रॉब्लम में थे, सब्सक्राइबर भी प्रॉब्लम में थे कि यार मास को हो क्या गया है, जो कि सबसे पहला व्लॉगर था, डेली व्लॉगर था, 365 डेज चैलेंज इसने किया साल का, सबसे पहले पाकिस्तान में डेली 1 मिलियन व्यूज मेरे आने लगे थे पर डे के हिसाब से, और सबसे जल्दी अचीव 1 मिलियन मैंने किया था व्लॉगिंग के करियर में। अब के नहीं पता उस टाइम पे जब मैंने शुरू किया था, जब का बता, 3 मिलियन के बाद 4 मिलियन पे क्या हुआ इस बंदे को, कि इसके ना सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे थे, ना इसके व्यूज इतने अच्छे आ रहे थे, और व्लॉग भी छोड़ दिए थे बीच में, और ना ये उस कॉन्फिडेंट के साथ
उस अपने टेम्पो के साथ जो ये पहले बनाता था ना, वो वैसे बना पा रहा है। तो जनाब मैंने जो है वो कुछ अपने बिजनेस स्टार्ट करना शुरू कर दिए थे, कि मैंने सोचा कि यार सब कुछ जो है वो सोशल मीडिया नहीं है, साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ भी है और पर्सनल लाइफ के साथ साथ आपका पर्सनल बिजनेस भी है, क्योंकि आपको करना लाजमी है, क्योंकि सोशल मीडिया की लाइफ का कुछ नहीं भरोसा किसी को भी। ये कभी भी खत्म हो सकती है, कभी भी बैन हो सकती है, क्योंकि आज से 2013-14 में जो है ना यूट्यूब बैन हुआ था, तो वो दिमाग मेरे चीज में थी कि यार कभी भी अगर यूट्यूब बैन हो गया, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन हो गया, तो मैं क्या करूंगा। ठीक है, तो मैंने बोला कि यार मैं करूंगा क्या, मतलब नहीं, मैंने करना है। तो मैंने स्टार्ट कर दिया बिजनेस। भाई मैंने किया एक बिजनेस, सही है, अब मैं उसमें सक्सेसफुल हो रहा था और मुझे लगा कि यार अब जो है ना मैंने दूसरा करना चाहिए। दूसरा किया, सक्सेसफुल हुआ, फिर तीसरा किया, तीसरे में सक्सेसफुल हो ही रहा था, तो चौथा कर लिया, हुआ नहीं था, चौथा कर लिया। चार बिजनेस जो है ना अपने सर पे मैंने कर लिए थे सवार, और साथ साथ मेरा YouTube चैनल जो के जिसमें मैं डेली हूँ। तो जब मैंने चार चीज अपने ऊपर सवार किए तो वो पड़ गए काफी ज्यादा भारी मेरे, जिस वजह से मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई, काफी ज्यादा हर्डल्स आई। वो क्यों आई, क्योंकि हुआ कुछ यूं के फोकस जो है ना, फोकस्ड अगर वो आप एक जगह पे रखते हो तो ही आप कामयाब होते हो, अदरवाइज आपका फोकस एक दो तीन चार पांच जगह पर होगा ना, तो आपका एक भी काम ना ठीक से नहीं चलेगा। ये मेरी सीख है जो कि मैंने सीखा है बिजनेस करने के बाद। मतलब एक बिजनेस मेरा बना नहीं था, मैंने उसी साल के अंदर चार बिजनेसेस ओपन कर लिए, जिसमें मेरे साथ टीम्स भी थी, जिसमें मेरे साथ मेरे लोग भी थे, जिसमें मेरे अंदर दोस्त भी थे। तो जनाब कुछ हुआ यूं कि वो सब एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो जो मैंने बनाया था, जो मैंने कमाया था, वो सारा मेरा वेस्ट हो गया। वेस्ट जिस वजह से बिजनेस की टेंशन के बंद हो रहा है, दूसरा व्लॉगिंग में क्या करूं, यहाँ पर मेरी फैमिली के साथ नहीं बन रही, क्योंकि हमारे अम्मा अब्बा भी जब बाहर से काम करके आते हैं ना, मतलब अब्बा काम करते हैं, अम्मा तो हाउस वाइफ है, तो पापा होते थे टेंशन में, गुस्से में, जब हम छोटे छोटे थे ना, तो पापा गुस्से में आते थे, हम पापा से ना कुछ बोल नहीं पाते, मतलब पापा से हम कोई छोटी चीज भी नहीं मांग सकते थे कि पापा यार ये दिला, पापा बोलते थे मेरे पास पैसे नहीं है, पापा बोलते थे भाई ये नहीं है, क्यों, पैसे होते थे लेकिन क्या टेंशन होती थी, यार मेरे बच्चे हैं उनको पालना है, मेरी फैमिली है उसको देखना है, तो बंदा रिलैक्स बाहर से आता ही नहीं है। वो टाइम था मेरा, जो टाइम मेरा थोड़ा सा क्रूशियल रहा मेरे लिए, मैं एग्जॉस्ट रहा पूरे 2023, 2022 और 2024 में मेरा मिड इस तरह ही गुजरा है, जिस वजह से मेरे व्लॉगिंग पे ध्यान नहीं था, जिस वजह से मैं अपने टेम्पो लूज कर गया था, जिस वजह से मैं फैमिली के साथ इंगेज सही नहीं हो पा रहा था, बिजनेस में सारा लॉस हो गया था, लोगों ने लॉस करवाया, मैनेजमेंट ने लॉस करवाया, टीम ने, ट्रस्ट इशू, क्या क्या नहीं हुआ, और साथ साथ कुछ मेरी पुरानी गलतियां थी शादी से पहले की, वो भी बड़ा टॉपिक है, बट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो शादी से पहले की मेरी कुछ गलतियां थी जो कि बाई मिस्टेक हुई थी या किसी ने जानबूझ की थी। हाँ। तो बस वो प्री प्लान था, तो उस वजह से मैं काफी जो था वो ब्लैकमेल रहा, मतलब समझो शादी से पहले मेरा सब कुछ बहुत बेस्ट जा रहा था, मैं वो बताने जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे शादी हुई ना, लोगों की नजरें मेरे ऊपर आ गई, अच्छा भाई माज जो है वो सक्सेसफुल हो गया है, माज ने बहुत पैसा कमा लिया है, तो भाई जो जो इसने गलतियां की हैं, जो जो इसकी मिस्टेक है, वो उठा के इसके पास लेके चलते हैं ताकि ये पूरा ही बर्बाद। अच्छा इधर मैं एक चीज ये बोलना चाहूंगी कि माज ने एक पॉडकास्ट की थी जिसमें माज ने बोला था कि मुझे शादी के बाद रिग्रेट है, तो वो इस चीज का था कि जो माज ने रिलेशन, मतलब जो हमारी शादी से पहले रिलेशन में गलतियां की थी, उस चीज का, जो लोगों ने माज को धोखा दिया, जो ब्लैकमेल कर रहे, वो चीज का। शादी के बाद से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लाइफ बहुत अच्छी और हम बहुत सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं, बहुत अच्छी और बहुत अच्छा, जो कि लोगों से हजम ही नहीं हो रही, और जो कि लोगों से हजम नहीं हो रही, तो वो सारी चीजें जो थी ना वो सर पे सवार हुई हुई थी, ब्लैकमेलिंग, लॉसेस और फैमिली के साथ इंटरेक्शन अच्छा नहीं, बेबी आ गया, फिर बेबी की प्लानिंग, बेबी का ख्याल रखना, बेबी को देखना, बेबी के डॉक्टर्स के जाना बार बार। एक मैं 22 साल का था उस टाइम, 23 साल का था, अभी मैं 24 का हूँ, तो ये जो फेज होता है ना 22, 23, 20, इस टाइम लड़के के ऊपर इतनी जिम्मेदारी आ जाती है, इतनी जिम्मेदारी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं सारे लड़कों की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जो जो अभी शादी का सोच रहे हैं, जिन जिनकी शादी हो गई है, तो ये बात वो कनेक्ट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, कि ये टाइम बहुत क्रूशियल टाइम होता है जिसमें आपको लोग ज्यादा तंग करते हैं, जिसमें आपको लोग आपकी 20s, 90s, 18s की हरकतें को लेकर आपको डराते हैं, तो मैं ब्लैकमेल होता रहा। माज ने मुझे शुरू से लेकर आखिर तक एक एक चीज बताई है। माज ने गलतियां की हैं, गलती हर इंसान से होती है, मैं सबको यही बोलूंगी बस किसी पर ट्रस्ट ना करें, भले आपके बिल्कुल क्लोज फ्रेंड क्यों ना। तो वो जो था ना यार, मेरे को था ना फेयर, डर था कि यार क्या होगा मेरे साथ, तो मैं आकर ना कभी भी जो है ना वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, क्योंकि व्लॉगिंग और एक्टिंग या कोई भी फील्ड जिसमें आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हो और होना चाहते हो मोर, तो आपको जो है ना अगर
कोई डिस्ट्रैक्ट करता है आपके माइंड को, आपको तंग करता है, तो आप उसको बिल्कुल ही सीरियस से खो बैठते हो, और ये हकीकत बात है। तो उस ब्लैकमेलिंग के साथ साथ, उस क्राइसिस के साथ साथ मैंने अपने ब्लॉगिंग को भी स्टेबल रखा अल्हम्दुलिल्लाह से। भले व्यूज डाउन हुए, सब्सक्राइबर्स डाउन हुए, लोगों ने क्या क्या नहीं बोला, हजारों और भी कॉम्पिटिटर्स आ गए, तो मैंने बोला कि यार खैर है भाई, खैर सबकी अपनी लाइफ है, सब अपना आगे जा रहे हैं, अल्लाह ताला सबको तरक्की देता है, अल्लाह ताला सबका मतलब घर चलाता है, किसी भी चीज को लेकर डिमोटिवेट नहीं होऊंगा मैं, अल्लाह पे भरोसा रखूंगा और मैं इन सारे मसलों को सॉल्व करूंगा इस उम्र में। तब लोगों के मसले आते होंगे 35-40 साल के, 25 साल में, 30 साल में, मैं जस्ट अभी मतलब टीन एज से गुजरा ही था और सक्सेसफुल हो गया था बहुत जल्दी, जल्दी शादी हो गई थी, जल्दी बेबी हो गया था, तो फौरन से घर की जिम्मेदारी, ऊपर से फिर लोगों की टेंशन, फिर अपनी कुछ गलतियों की टेंशन की वजह से सब बढ़ रहा था। तो मैंने सारा अपना डर जो है ना निकाल दिया है, मैंने बोला कि जो भी होगा इन फ्यूचर, कोई भी कुछ करता है या कोई भी मेरी पुरानी गलतियों की वजह से मेरे अब के करियर को खराब करता है, क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी बेगम को पता है मैं कैसा हूँ, मेरे घर वालों को पता है मैं कैसा हूँ, और आप सबको पता है कि मैं कैसा हूँ, क्योंकि शादी से पहले बंदा बहुत उल्टे उल्टे काम कर जाता है और बहुत गलतियां, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बहुत सी गैदरिंग्स ऐसी होती है जो कि खराब होती है और बंदे को नहीं पता होती कि ये वो खराब है, आपने उसमें नहीं जाना। तो मेरे घर वाले काफी समझाते थे, लेकिन उन सबको मैंने डिनाई करके उन खराब गैदरिंग्स में मैंने एंजॉय किया अपने आप को। तो वो मेरा लाइफ का वर्स्ट वर्स्ट टाइम था, जो कि अब टाइम मेरा काफी अच्छा है। इवन मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूंगा अपने इस एक्सपीरियंस से, कि भाई जो घर वाले कहते हैं ना, जो आपके अब्बा कह रहे हैं, आपके अम्मा कह रहे हैं कि भाई आप लोग अपने ऊपर ध्यान दो, घर में रहो, काम करो, लिटरली इससे ज्यादा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, और बाकी इस्लाम फॉलो करो, अल्लाह ताला को देखो, ठीक है, नमाजें पढ़ो, दैट्स इट। कोई दोस्त नहीं है आपका, कोई रिश्तेदार नहीं है आपका, कोई अच्छा भी लगता है ना, रिलेशन की बात ही, अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो आजकल ये है कि सबसे पहले आप निकाह कर लो, आप अपना अच्छा रिश्ता बनाओ, अल्लाह की नजर में अच्छा होगा, फिर दुनिया को देखो ही नहीं। भाई जल्दी शादी कर लो, ठीक है, और अल्लाह ताला बोलता है रिस्क मैं दूंगा, जल्दी बच्चे करो, अल्लाह ताला बोलता है रिस्क मैं दूंगा, खिलाने वाला मैं हूँ, पिलाने वाला मैं हूँ, और बाकी भी जिम्मेदारी अल्लाह ताला पर ही छोड़। तो ये था छोटा सा हमारा समरी, क्योंकि आप लोग के बहुत क्वेश्चन थे, मेरे घर वालों के क्वेश्चन थे, मेरे घर वाले मुझे बोलते थे कि भाई सारे बिजनेस बंद कर दो, ये व्लॉगिंग को ध्यान दो और भी सोशल मीडिया को ध्यान दो, या कॉन्टेंट को बेहतर करो, चीजें अच्छी करो और सक्सेसफुल आगे और हो, क्योंकि मैं जो हूँ वो घर में थोड़ा सा टेढ़ा हूँ, और पापा जो है वो बहुत प्यार करते हैं और साथ साथ जो है वो सपोर्ट करते हैं, जिस वजह से वो बोलते हैं चलो भाई तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना करो। हालांकि मेरे पापा ने मुझे सब बताया हुआ था कि भाई ये करोगे तो ये मिस्टेक होगी, ये करोगे तो ये मिस्टेक होगी, ये करोगे, एक्सपीरियंस जब तक नहीं होता आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, एक्सपीरियंस जरूरी था, तो पापा ने बोला चलो एक्सपीरियंस कर लो भाई। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो सारा फेयर निकल गया, आप लोग के सामने भी सब खोल के रख दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर इंशाल्लाह आगे जो है वो बेहतरी होगी, आगे जो है सब अच्छा होगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं रहा, मैं पहले जैसा माज नहीं रहा, मतलब कि जो शादी से पहले था, जो गंदा सा था, बुरा सा था, किसी की रिस्पेक्ट नहीं करना, इज्जत नहीं करना, गलत काम करना, उल्टी सीधी हरकतें करना, तो वो चीजें मैं भूल कर, सारी चीजें खत्म कर अब अच्छी सी लाइफ गुजार रहा हूँ। इंशाल्लाह हम रेस में आ चुके हैं, अब मैं जो हूँ वो अपने बिजनेस, किसी से कोई मुकाबला नहीं है, और किसी से भी नहीं है। मास के बिजनेस से मैंने एक चीज सीखी है, मैंने आज तक कभी बिजनेस नहीं किया, पर मास की एक चीज में मास को हमेशा सपोर्ट किया, तो मुझे पता होता था ये चीज क्या है, कहाँ से क्या हो रहा है। अगर आपने जिंदगी में कोई बिजनेस करना है ना, तो आपका जब तक एक बिजनेस इस मुकाम तक नहीं पहुंच जाता ना, जब तक आपको लगे कि बस ये बिजनेस मेरा सेट है, तब तक आप दूसरा बिजनेस ना करो। बिजनेस पे दूसरे नंबर की बात है कि बिजनेस पे आपको पूरा ध्यान देना पड़ता है, यानी कि आपने टीम हायर कर दी तो वो टीम देखे। माज ने ये भी बहुत गलतियां करी अपनी लाइफ में कि टीम ही सब कुछ देख रही होती थी, तो फिर टीम आपको पता है फिर पीछे से क्या घपले हो रहे हैं, आपको नहीं आइडिया होता। तो ये बात मेरे रखने का ही मतलब ये था कि यार मेरी सारी चीजें जो है माशाल्लाह से स्टेबल हो चुकी है और बिजनेस भी मेरा स्टेबल हो चुका है, मैं एक ही बिजनेस कर रहा हूँ अपना मास ऑफ द फ्रेग्रेंस का, और वो अल्हम्दुलिल्लाह से जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग उसको ऑर्डर करते हैं, जितने भी लोगों ने उसको आज तक टेस्ट किया है, बहुत ही अच्छे रिव्यू, मतलब 100 में से अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो वो 85% जो है ना बहुत अच्छे रिव्यूज के साथ मेरे परफ्यूम लोगों तक पहुंचे हैं और लोगों ने यूज किए हैं, और दिल से शुक्रिया, और दिल से शुक्रिया उन सबका जिन जिन ने मेरे बिजनेस को सपोर्ट किया और जो जो कर रहे हैं मेरे बिजनेस को, और उनका भी शुक्रिया जिन जिन ने मिलकर ये 4 मिलियन करवाए हैं हमारे। और ये लाइव में मैंने बातें करनी थी बट अब ये ऑन रिकॉर्ड हो चुकी है, तो अब ये आपको जब जब देखने को मिले, जब जब आपको सीखने को मिले, तो इससे आप सीख सकते हैं। एक छोटी सी बात बता दूं कि लाइफ में किसी गैर बंदे पे भरोसा नहीं करना है, माँ बाप के अलावा, बहन भाई के अलावा, और बेगम और बच्चों के अलावा। नंबर 2, एक साथ मल्टीपल बिजनेस नहीं खोलना है,
वरना सारे बर्बाद हो जाएंगे। नंबर 3, और तुमने अगर अपने बिजनेस को किसी के ऊपर डिपेंड कर दिया और तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हें पैसा निकाल के देगा तो रॉन्ग। तो ये तीनों चीजें मेरी लाइफ में मुझे रॉन्ग साबित करके गई है, क्योंकि पैसा वो चीज है कि अगर तुम किसी के सामने रख दो ठीक है और तुम छोड़ के चले जाओ, तुम बोलो कि यार वो पैसों को टच भी नहीं करे, मैं आपको यकीन बता रहा हूँ तुम्हारी भूल है। वो पैसों को टच भी करेगा, पैसों को खर्च भी करेगा, वो उसकी जगह जाली नोट रख देगा, तुम्हें दिखाएगा कि ये वो असली नोट है। एक तुम्हें मैं वो एग्जांपल दे रहा हूँ, वो तो अलग बात है कि तुम जाके टच करके देखोगे भाई हाँ ये तो जाली है, नहीं तुम अगर दूर से देख रहे हो उस पर भरोसा कर रहे हो तो वो समझो जाली नोट, वो सिर्फ तुम्हें दिखा रहा है कि हाँ भाई बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत बेस्ट चल रहा है, सब कुछ गलत चल रहा है। बाप की बात जो है ना लाजमी मानना, जब वो कहे कि यार तुम्हारे पास इतना पैसा है ना बस ठीक है, इससे ज्यादा मत एक्सपेक्ट करो, इससे ज्यादा मत सोचो, अपने ऊपर प्रेशर मत लो। लाइफ में हेल्थ जरूरी है, लाइफ में फैमिली जरूरी है, ठीक है, ये टेंशन लेकर ये पैसा कमा कर अपनी लाइफ को खराब मत करो, ये मैं कर चुका हूँ। क्योंकि मैं जिस स्पीड से आया था ना इस YouTube की करियर में और YouTube की हिस्ट्री में और ये डेली व्लॉग्स जो मैं लेकर आया था पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि बाहर तो लोग करते थे और मैंने चैलेंज किया, मेरी रेस में उस टाइम कोई भी नहीं था, मतलब जस्ट लोग जो है ना एक डेढ़ साल तक कोई भी नहीं था, अब सब आए हैं और सब अच्छे जा रहे हैं, तो मेरी सबके लिए दुआ है ढेर सारी, और तुम लोग सबको पसंद करो, सबको लाइक करो। बस मेरी कुछ चीजें थी जिस वजह से मैं उनकी रेस में थोड़ा पीछे रह गया, लेकिन मेरी किसी से रेस नहीं है, क्योंकि तुम लोग जो हो ना वो कंपैरिजन करते हो, मैं कंपैरिजन नहीं करता। ये था मेरा, और मैं काफी ज्यादा सिंसियर और मैच्योर हो चुका हूँ, मैं बहुत ही अब तमीजदार बात करता हूँ, लेकिन व्लॉग में जो है ना वो मुझे थोड़ा सा शाउट करके करना पड़ता है व्लॉग, बस क्या करें क्योंकि लोगों को पसंद ही ऐसी है। बाकी बिजनेस में तो हम बहुत ही शरीफ हैं, जब भी मीटिंग्स होती हैं तो लोग जो मुझे जानते हैं वो मुझे कहते हैं कि भाई आप तो बहुत ही सीरियस हो, मैं कहता हूँ कि भाई मैं सीरियस ही हूँ, व्लॉग्स में अगर मैं वो सब नहीं करूंगा तो लोगों को नहीं पसंद आऊंगा। इंशाल्लाह आगे और कामयाब होंगे और आपको अपडेट रखते रहेंगे सब चीजों से। आप लोग बताएं किस तरह के कंटेंट चाहिए आगे आपको, किस तरह के व्लॉग्स चाहिए। ना मैच्योर में हो गया ना, उतनी चाइल्डिश मेरी वाइफ हो गई है, इसको बड़ा मजा आता है चाइल्डिश रहने में, मुझे तंग करने में और व्लॉग में जो शोर शराबा करने में। तुम लोग को लगता है कि ये बुरी है या ये वो है, वो तुम लोग अक्सर बोलते हो कि सभा जो है ये ऐसी है, सभा वैसी हरकतें करती है, भाई सभा का नेचर है ऐसा, मैं क्या करूं, मतलब मैं इसको बोलूं भाई कल से तूने चुप रहना है, कल से तूने वही हरकतें करनी है जो और लड़कियां करती है। मैं ब्लॉग के बगैर भी मास्क भाई है, सही है, है, है उसकी नेचर है ब्लॉग के अंदर, घर के काम की अलग बस ना छोड़ देना छोड़ ये तो दिल पे ले ली थी बातें तुम तो इसको हमेशा समझाता हूँ, यकीन करो कि मैं घर में एक फर्द को बोलता हूँ कि भाई कमेंट्स मत जाना, अदरवाइज मेरे कल से ब्लॉग में नहीं आता। अच्छा मैं कमेंट नहीं पढ़ती गाइस, अगर आप लोगों को लगता है कमेंट जो क्रिएटर बनना चाह रहा है, जो इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहा है, बुरे कमेंट की बात नहीं है, कमेंट पढ़ना छोड़ दो, सही है, शुरू में अपनी नीच देख लो कि नीच क्या आ रही है, ठीक है, उसके बाद से कमेंट मत पढ़ना, क्योंकि कमेंट्स आप लोग बोले आप पढ़ते ही नहीं हो, नहीं नहीं ऊपर के 2-3 आते हैं वो देख लो, पूरे कमेंट पढ़ने मत बैठ जाओ, अपनी लाइफ को तबाह कर दोगे भाई, लोगों की बातों की वजह से अपने आपको टेंशन मत दो, तब सही है, सुनो सबकी, करो अपनी। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, उम्मीद है तुम्हें मजा आया होगा इस टॉक को देखकर, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और क्वेश्चन आंसर मेरी फैमिली के साथ पूरा आने वाला है जल्दी, क्योंकि वो हर मिलियन पे एक क्यू ना आता है वीडियो, वो भी वीडियो कल परसों में आएगा, और सबके क्वेश्चंस को हम एक जगह पे रख के सबसे पूछेंगे भाई, हाँ 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 भाई सब्सक्राइबर्स ये पूछ रहे तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए, तो होप कि तुम्हें वो भी पसंद है, तो इस व्लॉग को ज्यादा से लाइक करो, मुझे इस व्लॉग के ऊपर जो है ना वो आ गया छोटा चेतन, अच्छा पापा बोल दो लास्ट में, फिर मैं लास्ट कर दूंगा, पापा बोलो, पापा बोलो, बोलो पापा, बोलो बोलो पापा, जल्दी बोलो पापा, बोलो जल्दी बोलो पापा, बोलो बोलो जल्दी बोलो पापा, गिफ्ट मिलेगा गिफ्ट, बोलो पापा, तेरी ऐसे कितने झुंडू झुंडू, बाय बाय, टेक केयर।